फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया, ये वो पाकिस्तान हमारे से निकला है। देन हमारे पॉलिटिशियनों की है, हम ही लाते हैं, हम ही समाप्त करते हैं। सुनिए सुनिए, स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्टूडियो में तीन मेहमान हैं, एमएस बिट्टा साहब, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष, स्वागत है बिट्टा साहब। पिनाक रंजन साहब, पूर्व राजनयिक है, स्वागत है सर। और लेफ्टिनेंट जनरल राज खाद्यान्न साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान में किस कदर खलबली है वो आप सबको देखना जरूरी है। बिट्टा साहब, पहले तो ये मैं पाकिस्तान का कौन मंत्री मैं तो नहीं जानता, इसको कहना चाहूंगा। फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया, ये वो पाकिस्तान हमारे से निकला है। देखो मैं दो दिन पहले भी इंडिया टीवी में आया, फौज के बड़े बड़े बहादुर जर्नल थे, और आज भी डिबेट पे हूं। और सुमित पात्रा जी, और जिस तरीके से अखिलेश जी ने जो आज शुरुआत में ही सबसे पहले ये कहा, प्रथम राष्ट्र जो मंत्री कह रहा है वहां का, हमारे राष्ट्र के अंदर इलेक्शन के अंदर कमियां, शिकवे, गिले, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पर प्रथम राष्ट्र उनको बता देना चाहते हैं, हमारी राजनीति में दखल ना दे, हम इतने कमजोर नहीं हैं। और ऑल पार्टी मीटिंग ने एक करके बता दिया, हम आपके साथ खड़े हैं। पर क्या 370 धारा हटेगी? यह सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल है। 370 धारा हटने का मुद्दा इस वक्त बड़ी जल्दी होना चाहिए, चुनाव सामने है, पार्लियामेंट बैठे, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां ऑल पार्टी मीटिंग में कहती हैं हम आपके साथ हैं। अगर 370 धारा का मुद्दा उठ जाए तो क्लियर हो जाएगा कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राष्ट्र के साथ है, कौन शहीदों के साथ है, कौन श्रद्धांजलि देता है। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आज यही होगी कि 370 धारा का मुद्दा हटा करके, और सबसे पहले हम और ये फौज के जो जर्नैल हैं, सबसे पहले अपनी यहां की प्रॉपर्टी बेच करके पंजाब की, दिल्ली की, सबसे पहले कश्मीर में लेंगे, और कश्मीर को इतना मजबूत करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी। पर कम से कम 370 धारा का मुद्दा भी तो आना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो पत्थरबाज हैं, जो पाकिस्तान के आईएसआई के तैयार हुए जी, ये पत्थरबार इसलिए हैं कि कारोबार नहीं होने नहीं देते, खाली खाने की आदत पड़ गई, 10 रुपए किलो चावल, 10 रुपए किलो आटा, आपके खून पसीने का, हिंदुस्तान का टैक्स का पैसा सारा कश्मीर में जाता है, और अब पैकेज नहीं मिल रहे उनको। पर वहां पे हर हिंदुस्तानी, उसका हक कश्मीर में होना चाहिए। ये पाकिस्तान की हिम्मत क्या है? हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान हमें आंख दिखा दे, इसकी हिम्मत नहीं है। हमें आज जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, जिस तरीके से डिबेट की बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, आपने सही कहा कि आज पाकिस्तान देखे, कल भी किसी चैनल में था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पात्रा जी किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, पात्रा जी अपने विचार रख, पर कोई एंकर आके दूसरे को कह रहा तू बोल, लड़ाई शुरू हो गई तो पाकिस्तान तो हंसेगा ही। मैं चाहता हूं कि हम आज के दिन आगे भी पाकिस्तान को बताएं जी, राजनीतिक मतभेद होंगे, पर राष्ट्र के लिए, प्रथम राष्ट्र के लिए वंदे मातरम के लिए हमें। चलिए अब चर्चा को खोलते हैं। देखिए, डिबेट का शुरुआत तो बड़ा अच्छा हुआ, और अभी बिट्टा साहब भी बड़ा सही कह रहे थे कि हम सबको एकजुट होकर पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता है। बिट्टा साहब, क्या अब अभी से हम पूछना शुरू करें सरकार से? अभी अखिलेश जी ने कहा हमारा संवैधानिक फर्ज है कि हम तो हम पता करें, एक बात सुनो, हम चेक रखें। एक बात स्पष्ट कहूं कि अखिलेश जी का जो आज बात करने का जो तरीका है, बड़ा एक अच्छा तरीका है, और किसी को तकलीफ नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कहा हम अपनी सरकार से पूछ सकते, पर मैं एक चीज जो मेरा अनुभव है, मैं भी कभी बचपन में जब गुस्से में कहते थे कोई ऐसा हमला हो गया, जंग कर दो, जंग कर दो, अरे जंग कर दो, जंग आज सोचते हैं जंग करने के बाद क्या होगा, कितने बेगुनाहों के कत्लेआम होंगे। जिस तरीके से बड़े अनुभवी सीना साहब ने बोला, हमारे कार्डियन साहब ने बोला, मैं एक चीज कहूंगा, क्या अगर वो यहां आए तो हम क्या उनको धक्के मार के वापस भेज देते?
अगर वो पाकिस्तान के साथ है, बिल्कुल चीना साहब ने सही बोला कि हम अपनी तरफ ले, जैसे अमेरिका ट्रंप जी ने कितना आकर के कितने सख्त स्टैंड लिए। सवाल मोदी जी का बीजेपी की सरकार का, कांग्रेस का नहीं है। जैसे अखिलेश जी ने बोला प्रथम राष्ट्र, राष्ट्र का सवाल है। आज अमेरिका से कोशिश की गई हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, अमेरिका खुल करके पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, कहां उससे पहले देखें अमेरिका कितनी फंडिंग करता था। तो एक हमें पाकिस्तान को अलग थलग किया गया है, पाकिस्तान को और अलग थल कर करके इसको ठोकना है। इसको तभी ठोकेंगे इसकी कोर्ट में कोई ना हो, पर अगर ये नहीं हो सकता कि जहां से नरेंद्र मोदी जी जाएं, यहां से मनमोहन सिंह जाएं, हमारे किसी से संबंध अच्छे ना हो और हमें को बेइज्जत करे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें धीरे धीरे, जैसे सिन्हा साहब ने कहा बहुत सही बोला, धीरे धीरे इनको तोड़ो, और तोड़ा गया है। और जिस दिन ये टूट गए पाकिस्तान अकेला रहेगा, और दुनिया के अंदर एक दिन, मैं आपको सच बता दूं, दुनिया के अंदर एक दिन पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर होगा, दावे से होगा, जब सब कंट्रियों को हम एक करेंगे। इस आतंकी देश को, और हम नाम लेने से डरते हैं। मैं एक बात बिल्कुल आपको स्पष्ट कहूं, आपने बिल्कुल सही कहा, हम भी 10 साल पहले थे, आज समा बीत गया, 15 साल हो गए, समा बीत गया, कितने अच्छे मौके थे, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, महबूबा मुफ्ती के साथ कर लिया। ये जो अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, मुझे लगता है कि महबूबा ने ये जो रास्ता आगे रुकता था ये उसने खुलवाया। हमसे कमियां हो गई, समा बहुत निकल गया। मैं एक बात स्पष्ट कहूं, पंजाब की उदाहरण बार बार देता हूं, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हजारों बहनों के सुहाग उजड़े, क्या हमने वहां को कंप्रोमाइज किसी आतंकवादी संगठन से किया? कोई खड़ा होकर कह दे, इतने एक्सपीरियंस वाले सिन्हा साहब हमारे काबिल, हमने कंप्रोमाइज नहीं किया, हमने गोली का जवाब गोली दिया, गोली मारो, आग लगाओ, रॉकेट की दरिया में फेंको। आज पंजाब में ठीक हुआ, मैं खालिस्तान तो नहीं बनने दिया, हमने लोगों ने अपने शरीर के हिस्से गवाए, हमें फक्र है, हमें दर्दें नहीं होती, हमें पीड़ा नहीं, दर्दें होती हैं, पर राष्ट्र प्रथम राष्ट्र के नाम पे हमें दर्दें नहीं होती, हमें दर्दें फूलों की तरह लगती है। पर जब राजनीतिक सिस्टम में कमजोरियां आ जाती हैं, जब मजबूरियां आ जाती हैं राजनीतिक सिस्टम में, फिर हमें वो तो दर्दें तो फूलों की तरह लगती हैं, पर ये रॉकेट लंचर की तरह लगती हैं। हमें, मैं फिर कहूं, मौका अभी भी है, सेशन बुलाया जा सकता है, 370 धारा पे चर्चा हो सकती है, सब पॉलिटिकल पार्टियों को टेलीविजन चलते हो, हाथ खड़े करा के कह दो कौन चाहता है हो, कौन चाहता ना हो, मसला हल हो जाएगा, नहीं तो ये चर्चा रोज स्टूडेंट को बुला के तो चर्चा। आप समझते हैं इससे संदेश जाएगा। एक सवाल सर ये है मेरा सर, कि जो हम लोग आतंकवाद को लेकर लड़ रहे हैं कि इनको मार देंगे, उनको मारना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेन मुद्दा हमारा सर किस पे ये सब हो क्यों रहा है सर? किस चीज को लेके ये आतंकवाद बढ़ रहा है आए दिन? आज जब हम देखते हैं, पहले एक संगठन होता था, आज 2-3-4 संगठन हो गए। आतंक की जड़ बताइए, जड़ हमारी सर, आपसे सवाल है उनका, आतंक को हमें आतंक को मिटाना क्यों पड़ रहा, आतंक आ क्यों रहा है? एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, जो मेरा जिंदगी का अनुभव है, बहुत पुराना बचपन का अनुभव है, अपनी आंखों से आतंकवाद की, देखो एक बात स्पष्ट है, झूठ जनता के सामने, राष्ट्र के, दुनिया में नहीं बोलूंगा, ये देन हमारे पॉलिटिशियनों की है, हम ही लाते हैं, हम ही समाप्त करते हैं। सुनिए, पंजाब के अंदर आतंकवाद हम ही लाए थे, और जब समाप्त हुआ था, जब पंजाब हाथ से जाने वाला था, पंजाब खालिस्तान बनने वाला था, इस मातृभूमि से टूटने वाला था, फिर कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, अकाली दल का हिस्सा एक मंच पे इकट्ठे हुए और कहा हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें प्रथम राष्ट्र चाहिए, हमें भारत से पंजाब टूटना नहीं चाहिए। हमने इतने सालों का आतंकवाद मिल्क एक पार्टी ने नहीं, सबने शहादत दी, सीपीएम, सीपीआई, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने शहादत दी, और लोगों ने, बेअंत सिंह ने शहादत दी, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने शहादत दी, पंजाब को अमन शांति दिया। जिस दिन हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टी कुर्सी सत्ता को छोड़ करके एक साल के लिए कहेंगे प्रथम राष्ट्र, ये आतंकवाद की हिम्मत क्या, तब 15 दिन में था मर के मारेंगे। आप लोग
आप लोग चाहते हैं ना हमारे देश की पार्टियां एक रहे इस वक्त, बिल्कुल। तो ये जरा जोरदार तालियों से बीजेपी के समित पात्रा जी और अखिलेश जी को धन्यवाद के साथ बताइए। मैं एक बार अपनी तरफ से समित पात्रा जी और अखिलेश यादव जी जिन्होंने इतनी अच्छी आज डिबेट, आज पाकिस्तान देखता होगा तो कांपता होगा, मेरे कहने पे दोनों के लिए एक बार जोर से ताड़ी लगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा साहब, खास तौर पे आपका, क्योंकि आपने ये संदेश दिलवाया है आज सब हम सब की तरफ से पूरे देश को, बहुत बहुत शुक्रिया। और संबित पात्रा जी, अखिलेश जी का, पिनाक रंजन साहब, कादियान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान ये प्रोग्राम देखता होगा तो समझ गया होगा कि वहां से जितने भी उकसावे वो अब कर ले वो कामयाब होंगे नहीं।